तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में लात घुसे चल रहे हैं और नेता एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ी पराजय का स्वाद चख चुकी कांग्रेस में कुछ दिन पहले बड़े फेरबदल हुए और जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए। इसके बाद से कांग्रेस में खेमेबाजी और ज्यादा बढ़ गई है। इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये गुटबाजी अब मारपीट तक पहुंच रही है। अब अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार और कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान में विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी पार्टी की छवि को धूमिल करते हुए आपस में भिड़ गए और जमकर एक दूसरे के साथ हाथापाई की। शहरयार खान को तो लोगों ने उठाकर पटक दिया। गुटबाजी से घिरी कांग्रेस इस मसले पर चुप्पी साधे है, लेकिन भाजपा ने इसे कांग्रेस के भीतर का मामला बताते हुए इस पर कमेंट जरूर किया है। देखिए, गुटबाजी तो जिस दिन से जीतू पटवारी जी बने हैं उस दिन से ही स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने चुन चुन के कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस को निशाना बनाना शुरू किया है। वैसे जिस पार्टी का नेता स्वयं पार्टी को तेल लेने गई से संबोधित करे तो उस पार्टी में इस तरह के वाक्य होना एक आम बात है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।